जाहिर है इतना बड़ा शौक जो मिला सबको। माँ थी उसकी, वो भी चले गए। सच में रूबी आंटी बहुत प्यार करती थी उससे। अच्छा वो आंटी मिलने चली गई, ऐसे मौके पर नाराजगी एक साइड पे रख देनी चाहिए। मुझे भी अच्छा लगा, कम से कम ऐसे मौके पर तो भाभी का ख्याल रखा उन्होंने। अनिश्मा तुमने फारिस से बात की? नहीं। क्यों? लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था। कसूर जिसका भी हो सबा, सजा तो हम दोनों को ही काटनी है। कम से कम उसे एक ताजियत ही कर दी थी, सदमों का पहाड़ टूटा है उसकी, वही कॉल से उसे हौसला मिल जाता। हौसला ही तो नहीं बढ़ाना चाहते थे उसका। अनिश्पा देखो आंटी भी अपने सारे डिफरेंसेस एक साइड पर रख के गई है ना उनसे मिलने, तुम्हें भी कॉल करनी चाहिए। अच्छा सोचूंगी। अनिश्पा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी के आंटी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें? नहीं सबा, अब तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है।